पूरे में वो है, पूरा पड़ गया है। ये देख लीजिए, ये लकड़ी, ये तो ये पापा ने यहाँ लगाया है नेपाली राई साग। इसको ये हमारी नेपाली की फेवरेट डिश होती है ठंडी में। तो जब भी ठंडी आती है यहाँ पे जितने भी नेपाली है सारे लोग यहाँ पे ये राई साग लगाते हैं और 3-4 प्लांट जो है वो छोड़ देते हैं बीज आने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर से राई साग लगा सके। और ये है पपीता का पेड़ जो इतने सारे पापा ने लगाया है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर हुए हैं पपीता। तो ये इतने छोटे छोटे पेड़ में भी कितने अच्छे अच्छे पपीता उगे हैं। तो ये है हमारा सोफ़ा जो कि पूरी तरह से ख़राब हो गया क्योंकि इसकी स्प्रिंग टूट गई है और जिसकी वजह से हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तो हमने घर पे ही भैया को बुलाया है और ये अब यहाँ पे सोफ़ा ठीक कर रहे हैं। तो ये रेडीमेड सोफ़ा है, राय भाजी ये रही। ठंडियों के टाइम में जैसे मटर और साग हो जाते हैं ना, वैसे हम नेपालियों में राय साग हो जाता है। मीन्स ठंडी आने से राय साग तो बनती ही रहती है, हफ्ते में 2-3 बार तो राय साग खा ही लेते हैं हम लोग। मैं इसे चॉप कर दे रही हूँ। तो राई साग बनाना बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा तेल लगता है और ये पानी बहुत छोड़ता है जैसे आप लोग देख रहे हैं। बस लहसुन और लाल सूखी मिर्च डालनी है और उसके बाद फिर भाजी डाल देनी है और नमक और हल्दी लगेगा इसमें, नमक हल्दी और टमाटर। बस ये तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारे नेपाली का फेवरेट डिश हो जाता है ठंडी के मौसम में। तो ये पूरा खुल गया है और ये अभी नए से पूरा बनेगा। तो ये भैया ने पूरा खोल दिया है ऐसे। तो ये थोड़ा सा ये मैल है, ये अभी मैं साफ़ कर दूंगी कॉलिन से। तो ये आए हैं अभी शनि महाराज के। जय शनि, जय शनि। कैसी बाबूजी की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, ठीक है। प्रीशा के लिए ये खेलने का स्पॉट बन गया है। गेट आउट बोल रही है, देखो मुझे गेट आउट, बड़ा गेट आउट। नानू पकड़ो, ये दीदे तो पकड़ो, दूटा हाथ में पकड़ो। हाँ चलो आओ, धीरे लाओ, चलो 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 ना। अच्छा आओ आओ, अच्छा आओ आओ नानू, आओ आओ नानू, आओ ना आओ आओ आजा। अरे बाप रे, पूरे तो खराब बन रहा है। कल मिला हो बाबा? ये क्या पूरा सोफा खराब है? सबसे कीड़ा लग गया। हां जी, पूरा त्यो आयो ना, नहीं सेंस ने कीड़ा छोला नहीं। एलिमेंट वाला ये वाले सही है, ये वाला तो इतना खराब है। ये स्टैंड भी ठीक है, है? ये स्टैंड ठीक है, ये किस टेक्सचर खराब है इसका पूरा। ये तो ज्यादा इसमें सागवान इतना ही रहता है, बाकी ये पूरा लोकल है। उधर दिखाई ना अंदर ना, तो इतना ज्यादा खराब है वो तो, इसीलिए तो वो बाहर से ठीक दिखता है। अब इसको खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है। नहीं तो इसको अगर बदली करना पड़ेगा तो फिर करना पड़ेगा लकड़ी ने। फेरी तो क्या है, अपन सोफा खोल भी लिया, नहीं तो किसी को ऐसे टिका देते खोल ले जाता। उसको अपन कितने में भी देते, थोड़े मोड़े तो देख के हाँ हाँ अच्छा है ले जाते, ले जाता। अभी एक जन का पलंग क्या पता नहीं, अब हाँ वो सोच रहे कि स्प्रिंग वर खराब है ना। तेही तो अभी एक जन का पलंग वो लेके आया था 38,000 का, वो एक साल नहीं चला, वो पूरे में कीड़ा लग गया ना। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उसको कितने में 9,000 की 8,000 में बेच दिए, 8,000 में एक साल भी नहीं चला। 8,000 में उन लोग का भी कितना? मैंने बोला भैया उन लोग का सेकंड हैंड नहीं लेती हूँ ना। नहीं नहीं मेरे को अरे लेट हो तो, और ये रेडीमेड लिया इन लोग ने, लेकिन मेरे को लगा था कि जैसा मेरा पहले था ना वैसे ही बना,
लेकिन ये बच्चे का कारण अभी नीचे दिखाएंगे ना, देखो छोटे ऐसे कर पलटा कैसे पड़ा। अरे बहुत पूरे में पूरा हो गया, पूरा पड़ गया। ये देखो ये लकड़ी ये इतना घुन गिर रहा बहुत ज्यादा, ये भी घुन गया है, वो अंदर का लकड़ी भी सारा घुन गया है सामने का। मम्मी आना नानू ते जाओ, नानू इधर ना आनू। अरे सोफा देखो ना यहाँ पे कितना पूरा निकला है, एक भी काम का नहीं है। ऊपर का वो नीचे नहीं, नीचे पूरा लकड़ी से निकल रहा है। बाजे बाजे पूरे कीड़े ले खा था कहाँ, इस तरफ आके देखो ना ढका हुआ था, इसलिए पता नहीं चला। नीचे का भी लकड़ी चेंज हो गई, लकड़ी खराब था। देखता हूँ ले ये क्या तरह कुछ है, कुछ ये पाटा निकल रहा है, ये बाप रे देखो ना, ये तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये खराब है, तो ऐसे ही खांचे बना के लगा दो ना। मैं वो देखता हूँ खोल कर लूँ पहले, इसमें कितना सही निकलता है। ये तो खराब ही है, ये लकड़ी भी तो कौन सी लगाया है ना, बाप रे देखो निकले जा रहे हैं। इसमें है कुछ नहीं, स्प्रिंग बस है और ये देखो कैसा बना था। तो ये है मेरा रूम जो कि मैं अभी ठीक करूँगी। तो सुबह के टाइम नानू ने मेरी बेटी ने इस मैट्रेस में सूसू कर दिया था, बाथरूम कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये गीली हो गई थी। तो मैं दिन भर इसको ऐसे ही छोड़ दी थी कि ये सूख जाए, तो ये अब सूख चुका है और अब मैं इसमें बेडशीट लगा दे रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया है, तो इसलिए मैं रूम को पहले से ही ठीक कर दे रही हूँ। तो ये जो चादर है, ये चादर थोड़ी सी छोटी हो गई है इसके लिए। मेरा जो बेड है वो है 6x6, बट डिज़ाइन की वजह से वो 6x6 से भी बड़ा है। तो बेडशीट जो है वो मुझे किंग साइज़ में लेनी पड़ती है, क्वीन साइज़ वाली बेडशीट इसमें आती नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे जो क्वीन साइज़ वाली बेडशीट है उसे मैं जैसे भी करके सेट कर दे रही हूँ। और प्रीशा यहाँ बहुत बदमाशी कर रही है, तो प्रीशा के बहुत सारे टेडी बेयर है, तो कुछ तो हॉल में है और कुछ जो है वो हमारे कमरे में ही रखने पड़ते हैं प्रीशा के लिए। तो प्रीशा उससे खेलती है, तो हम यहाँ पे तीन जन सोते हैं, तो प्रीशा जो है उसके टेडी बेयर भी हमें बेड पर ही रखना पड़ता है, क्योंकि रूम छोटे होने की वजह से जगह नहीं है। एक तो रूम में तीन दो जो है वो अलमारी आ गई है, एक जो है वो ड्रॉअर आ गए हैं जो ग्रीन कलर के आप देख ही रहे होंगे। तो दो जो अलमारी है उसके वजह से मेरा रूम जो है वो पूरा भर चुका है। तो दो अलमारी और एक बेड और ये जो रैक है इसी से ही पूरा रूम भर जाता है। तो अलमारी जो है वो भी बहुत बड़ी है, एक तो 3 डोर वाली है, एक 2 डोर वाली है, दोनों ही बहुत ही भारी है। मतलब ये जो अलमारी है ये 100-100 किलो की अलमारी है, मजबूत भी बहुत है ये अलमारी। तो मुझे हमेशा से ही बड़ी अलमारी चाहिए थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ सके, तो इसलिए मैंने 3 डोर की अलमारी ली थी। तो बस मैंने बेडशीट लगा दिया है और सारी चीज़ें सजा दिया है। नानू ने इसमें टॉयलेट कर दिया था, सुसु कर दिया था, तो उसकी वजह से ये भीग गया था जिसे मैंने सुखाने के लिए रखा था। तो अभी मैंने बेडशीट लगा दी, इसके पापा के आने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने पूरा रूम जो है ठीक से कर दिया। क्योंकि एक जब आदमी ऑफिस से घर आते हैं तो उनको घर ऐसे साफ मिलता है तो अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए उनके अच्छे फील के लिए मैं घर पहले से ही सजा देती हूँ उनके आने से पहले। तो मैंने पूरा एकदम सजा दिया है, सिर्फ ये जो बास्केट है उसमें नानू के कपड़े हैं जो अभी रेगुलर यूज़ करती है, तो उसको ठीक करना है क्योंकि वो अभी पूरा भर के खुला है। तो और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और नानू खुद अपने हाथ से खा रही है। उसको मैंने अभी तक अपने हाथ से खाना सिखाया नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है, तो ये मेरी गलती है जो मैं अभी कर रही हूँ। बट अब मैं नहीं करूँगी ऐसी गलती, मैं उसे खुद खाने दूँगी चाहे वो जितनी भी गंदी कर ले, मतलब जितना भी गंदा फैला ले उसको मैं खुद खाने दूँगी ताकि वो खुद खाना सीखे। तो अभी प्रीशा खा रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओ प्रीशा खुद से खा रही है। तो आज तो मेरी डिनर बनाने की छुट्टी थी क्योंकि आज मेरी ननद ने बनाया है इडली सांभर और चटनी, तो चलिए मैं भी डिनर कर लेती हूँ। मेरी ननद ने डिनर रख दिया है और अब मैं जाती हूँ डिनर करने के लिए।